को संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। ये सात कारक होते हैं। अब जैसे इसमें कर्ता ने, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, जैसे मैं कलम से लिखती हूँ यहाँ से के द्वारा, इसके द्वारा लिखा जाता है उसमें ये करण कारक आता है। चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी आपादान से, यहाँ पृथक, पृथक का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में, जैसे लड़का विद्यालय से घर जाता है, चाहे गंगा हिमालय से निकली है। षष्ठी संबंध के का की रे रारी। सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन, और संबोधन का संबोधन ही होता है संस्कृत में हे अरे, जिसमें शोक और हर्ष प्रकट किया जाता है उसमें संबोधन कारक होता है। नोटबुक में नोट करें और याद करें, इसके अनुसार कल मैं अनुवाद दूंगी और उसे बनाना होगा।